नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में सिविल लाइन क्षेत्र के एक दुकान पर कुछ लोगों ने किया जबरिया कब्जा। पीड़ित दुकानदार पहुंचा सिविल लाइन थाने। सोमवार शाम को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में होमगार्ड ऑफिस के सामने स्थित पीताली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर कुछ लोगों ने दुकान को अपना बताते हुए रजिस्ट्री का हवाला देते हुए मकान पर कब्जा कर लिया। वहां मौजूद सामान को बाहर फेंक कर उन्होंने अपना ताला लगा दिया। इस बात की जानकारी लगते ही पीतालिया परिवार के अन्य सदस्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मुन्ना भैया जैन के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने दुकान खाली कराने वाले अजय यादव और सुल्तान राजपूत के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ दुकान बेचने वाले व्यक्ति पर भी 420 का मामला दर्ज करने की मांग की है। भोपाल संभाग ब्यूरो, रिजवान खान की रिपोर्ट। राजीव पितलिया, मेरे चाचा की दुकान है क्रांति चौक पे होमगार्ड ऑफिस के सामने, पितलिया इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, पितलिया इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से अरुण पितलिया की। और उस दुकान की अपने पास रजिस्ट्री है, 2018 में रजिस्ट्री हुई थी और जिस रिंकी यादव ने अपने को रजिस्ट्री की थी, आज उसके द्वारा दूसरी कोई रजिस्ट्री लेके एक व्यक्ति आए और दो लड़के अजय यादव और सुल्तान राजपूत नाम के 15-20 लड़कों के साथ आए और बलपूर्वक वो दुकान का सामान, जब तक अपन अपनी रजिस्ट्री लेने गए जब तक उन्होंने अपना सामान पूरा दुकान के बाहर करके अपना ताला लगा दिया बलपूर्वक और उस पर कब्जा कर लिया। तो आज देहात थाने में अपन शिकायत करने यही आए, एक ही प्लाट की, एक ही का मालिक की, उस मालिक ने दो रजिस्ट्री करी है। दो साल पहले एक, अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अपन 420 का केस उस पर दायर हो, जिन्होंने बलपूर्वक खाली करी है उन पर दायर हो केस।